नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निकल योगा गुरु जी चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण आसन लेकर आया हूँ जिसका नाम है कर्णपीड आसन। ये एक एडवांस आसन है। तो यहाँ पर हमने दो स्टूडेंट लिए हैं, अभी दंडासन में इनको बिठाया हुआ है। तो चलिए पीठ के बल लेट जाए। धीरे धीरे दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखिएगा, पैरों को आपस में मिलाकर रखें एड़ी पंजा। अब धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए पैरों को 30 डिग्री पर उठाएं, घुटने सीधे 60-90 पे थोड़ा होल्ड करें। अब धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाइएगा और पैरों को हलासन में आपको आ जाना है, ठीक है। पंजों को बाहर की ओर रखिए। तो अभी आप आ गए हलासन में। अब घुटने मोड़िएगा और कान के बाजू में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके शरीर का जो आकार बनेगा, ये उल्टे आप देख रहे हैं टी के समान आपके शरीर की आकृति बन चुकी है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर किया कर्णपीड आसन। आप साइड को दिखाइएगा, यहाँ से आइएगा। तो ये देखिए, ये आसन है कर्णपीड आसन। ये एक एडवांस आसन है। इसमें आप इतनी देर रुक सकते हैं, तो 10 सेकंड से लेकर आप जो है 30 सेकंड या 1 मिनट तक जा सकते हैं। लाभ क्या होंगे? ये पोगो बेंडिंग का आसन है, तो आपका जो है मेरुदंड लचीला हो जाएगा सामने झुकने के लिए, और थायराइड के लिए बहुत लाभदायक होता है। चलिए धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस आए, हलासन में पैर को सीधा करें पहले, फिर वापस पैरों को जमीन पर लाएंगे। तो दोस्तों, ये था कर्णपीड आसन। इसको आप नियमित रूप से कीजिएगा। किन लोगों को नहीं करना चाहिए? तो जिन लोगों को सर्वाइकल गर्दन में दर्द है, वो लोग कृपया करके इसका अभ्यास ना करें, या हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो भी इसका अभ्यास ना करें, बैठ जाइएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।